मुर्शिद जाकिर हुसैन को नॉन कोऑपरेशन की तहरीक से कोई ऐसी दिलचस्पी न थी, बल्कि अरबाब कॉलेज के एक हद तक मुआविन थे और नॉन कोऑपरेशन की तहरीक के जलसों और हंगामों में तफरीहन शरीक हुआ करते थे। वो रात आज भी याद है जब हम दोनों शोरिश मचाने वालों की सैला हासिल पर साहिब बाग में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि सुबह कॉलेज तो जाना नहीं है, नाश्ते में दलिये की बजाय खिचड़ी क्यों ना हो जाए। सुबह हुई, यूनियन में जलसा हुआ, मैं और मुर्शिद साहब भी एक तरफ बैठ रहे। मौलाना मोहम्मद अली ने हसब मामूल बड़ी पुरजोर तकरीर की, लेकिन हाजरीन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। उनके बाद मौलाना शौकत अली आए। दोपहर होने वाली थी, दोनों भाई ट्रेन से कहीं बाहर जाने वाले थे। तकरीरों की आखिरी और कमज़ोर मौजें किनारे साहिल से हम आगोश होने ही वाली थीं कि मौलाना शौकत अली ने आखिरी बार एक मायूसाना वारफ्तगी के साथ ये मशहूर और फरसूदा शेर पढ़ा कि सपुर्दम बतू माए खीशरा तू दानी हिसाब कमो पेशरा, और थके हुए अंदाज से जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। मुड़कर देखता हूँ तो मुर्शिद की आंखों से आंसू जारी हैं। दम बखुद हो गया, मजमा काबू से बाहर हो चुका था। मुर्शिद को खींचता हुआ बाहर लाया, पूछा कि ये क्या हुआ। फरमाया, रशीद साहब अलविदा। जिंदगी का आगाज़ बखैर हुआ, अंजाम के भी बखैर होने की दुआ कीजिएगा। मेरे पास जो कुछ मेरा है वो यूसुफ और महमूद के हवाले कर दीजिएगा। कॉलेज के कागजात होंगे उनको वापस भेज दीजिएगा। मैंने कहा, मुर्शिद इस तहरीक से मुतालिक अक्सर गुफ्तगू रही, आप इस तरीक़ा कार के कुछ ऐसे मुईद भी न थे, आखिर ये क्या हुआ। फरमाया, तहरीक गलत हो या सही, इसके बारे में यकीन और सेहत के साथ कहना नामुमकिन भी है और कबलज़ वक्त भी। मुझे जिस बात ने बेदस्तपा कर दिया वो ये ख्याल था कि कहने वाले ये न कहें कि अलीगढ़ ने ऐसी एक तहरीक में हिस्सा न लिया जिसमें मसायब का सामना था। मुझे तो ये बताना है कि फर्जंदान अलीगढ़ रज्म और बज्म दोनों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आप मज़ाहिम न हो, पासा फेंका जा चुका है, अंजाम जो कुछ हो। अच्छा, खुदा हाफिज़।